व्हाट इज अप, कैसे हो सब। तो गुजरात स्टेट की तरफ से, गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से नई वैकेंसी आ गई है फार्मासिस्ट के लिए। हालांकि ये डायरेक्ट वैकेंसी फार्मासिस्ट की नहीं है, बल्कि फार्मेसी ग्रेजुएट्स के लिए है अलग डिपार्टमेंट में। जैसे कि लैब टेक्नीशियन का डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ पे फार्मेसी भी एलिजिबल है इस बार। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से ये एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है, नोटिफिकेशन आ चुका है और कुछ ही दिन बचे हैं। आज गणेश चतुर्थी का दिवस है, तो मैं इसीलिए आपको सबसे पहले ढेर सारी विशेष देता हूँ गणेश चतुर्थी की। हमारे पास जो संकल्प कोर्स है, हमारे जो आरएलबी फार्मेसी कोर्स है, उसमें भी बहुत सारे नए ऑफर्स चालू हैं गणपति के लिए। तो जाइए, उनका फायदा उठाइए और साथ ही साथ फायदा उठाइए इस नोटिफिकेशन का। तो इस नोटिफिकेशन के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, जो कि है ojs.gujarat.gov.in। तो ये नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहीं जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, गुजरात स्टेट वाला। ठीक है, GSSB, गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल। यहाँ पे देखिए 500 रुपये इसकी फीस है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। 15 तारीख लास्ट डेट है इसका एप्लीकेशन का। इसके लिए अब आपके पास 7-8 दिन और बचे हैं, तो फटाफट जाके आप एप्लीकेशन दे दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे अलग अलग एडवर्टाइजमेंट नंबर दिए हुए हैं और पोजीशन जो है सेम है। कहीं लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोजीशन है, कहीं लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोजीशन है। तो हमारे लिए जो मेन इंटरेस्ट का है वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन असिस्टेंट है। ठीक है, केमिकल ग्रुप, बायोलॉजी ग्रुप, केमिकल ग्रुप एंड बायोलॉजी ग्रुप। ठीक है, यहाँ जो है बैचलर ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, मतलब फार्मेसी ग्रेजुएट्स जो है एलिजिबल हैं। यहाँ अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना और अप्लाई कर देना है। डिटेल्स जान लेते हैं कि क्या इसका सैलरी होने वाला है, क्योंकि सैलरी बहुत एक्साइटेड है इसकी। देखिए, मैंने ये यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखा हुआ है, और गांधीनगर में ये इनका डिपार्टमेंट है, तो वहाँ से ये लॉन्च हुआ है, ojs.gujarat.gov.in पे। ठीक है, अब यहाँ जैसे हम देखेंगे जूम करके, तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है, उसके लिए टोटल 29 जगह है। जी हाँ, ये गुजराती में लिखा हुआ है, तो ये 29 है। फिर कौन से इसमें, रसायन जो मतलब केमिकल ग्रुप में, बायोलॉजी ग्रुप में 20 है। ये हो गए टेक्नीशियन की बात। थोड़ा सा नीचे अगर आएंगे असिस्टेंट में, तो केमिकल के लिए फिर से 13 एंड देन बायोलॉजी के लिए 8। तो ऐसे करके टोटल ज़्यादा हमारे पास जो है मिल जाती है वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी आई है। फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, तो उन सबके लिए एलिजिबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आगे इसमें अगर हम बढ़े कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ दिया हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है फार्मेसी वाले इसमें कैसे एलिजिबल होंगे। तो हाँ, यहाँ पे फिर भी स्पेशली इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है। उसके पहले हम देखते हैं पगार क्या होने वाली है, देखना है हम लोग को। हाँ, देखना ही होगा। देखो, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 40,800 पर मंथ। ठीक है, दोनों में, चाहे वो केमिकल हो या बायोलॉजी हो, 40,800। असिस्टेंट की जो रहेगी वो रहेगी 26,000, जो कि अच्छी खासी सैलरी होती है। ठीक है, और टेक्नीशियन के लिए तो 40,800 है। तो यहाँ पे फिर नीचे दिया हुआ है आपका नेशनलिटी क्या होना चाहिए, ठीक है, एज क्या होना चाहिए आपके, और साथ साथ क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन में देखिए, यहाँ पे केमिकल ग्रुप, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, तो यहाँ पे दिया हुआ है फार्मेसी। ठीक है, उसके अलावा आपको फार्मेसी मिलेगा तो मिलेगा बायोलॉजी वाले में। बायोलॉजी में यहाँ दिया हुआ है फार्मेसी, इंग्लिश में भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो ठीक है, उसके अलावा फिर से हम जाएंगे असिस्टेंट में, तो असिस्टेंट में भी यहाँ पे फार्मेसी दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, लास्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी, यहाँ भी हमको फार्मेसी दिया गया है। फार्मेसी के अलावा माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बायोसाइंस, बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड, फॉरेंसिक, बॉटनी, हर कोई BSc MSc वाला इसमें एलिजिबल है। ठीक है, तो आप पूरा फायदा उठाइए इस मौके का। 40,800, 26,000, बहुत अच्छी पगार होती है भाई। ठीक है, तो आप, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। 15 तारीख लास्ट डेट है, सिर्फ 500 रुपये फीस है इसकी एप्लीकेशन की। तो आप फटाफट एप्लीकेशन कीजिए और अप्लाई कीजिए। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।